हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अजीम फार्मा पे, जहां पे आप पाते हैं दवाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सिरप के बारे में जिसका इस्तेमाल बच्चों में करते हैं नौजिया और ओमिटिंग को रोकने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओंडम सिरप के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में और दोस्तों हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि ओंडम सिरप में क्या पाया जाता है। दोस्तों इस सिरप में ओंडम सेट्रान पाया जाता है और दोस्तों जो नाम है ओंडम सेट्रान, ये मेडिसिन का मूल नाम है, मेडिसिन का साल्ट नाम है और दोस्तों जो नाम है ओंडम, ये मेडिसिन का ब्रांड नेम है। इस नाम से या फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे यह मेडिसिन आपको आसानी से मिल जाएगी। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि ओंडम सेट्रान हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करती है। दोस्तों जो ओंडम सेट्रान मेडिसिन होती है यह मुख्यतः हमारे ब्रेन में काम करती है। दोस्तों हमारे ब्रेन में ओमिटिंग सेंटर पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ओंडम सेट्रान क्या करता है, हमारे ओमिटिंग सेंटर को ब्लॉक करता है, यानी उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, जिससे कि दोस्तों वहाँ पर जब कोई सिग्नल जाता है तो उसको ब्लॉक करता है, जिससे कि दोस्तों क्या होता है, नौजिया और ओमिटिंग हमारी रुक जाती है। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में, यानी इसके इस्तेमाल के बारे में। दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल मुख्यतः नौजिया और ओमिटिंग में करते हैं, यानी कि जिम चलाना और उल्टी होना, इसको रोकने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, यानी इसके खुराक के बारे में। दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों में 4 साल से लेकर 11 साल तक 4 mg दिन में 3 बार देने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। वहीं पर दोस्तों अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर 4 साल तक है, दोस्तों उस कंडीशन में बच्चे के बॉडी वेट के हिसाब से इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों इसका जो डोज होता है 0.15 पर केजी पर डोज में होता है। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। दोस्तों इस सिरप से कंस्टिपेशन यानी बच्चे को कब्जियत हो सकती है और डायरिया, लूज मोशन भी हो सकते हैं यानी दस्त हो सकते हैं, हेडेक, सिर में दर्द हो सकता है और बच्चे को थकान भी हो सकती है। दोस्तों अगर ये सारे साइड इफेक्ट आपको लंबे समय तक दिखाई पड़ रहे हैं, उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करना बंद करें और अपने डॉक्टर से जाके एक बार सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हमारे वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।